दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप मेरे पास देख सकते हो, यह है सिल्वर डिप क्लीनर और फ्रॉम मोदी केयर। सो इसकी आज करेंगे रिव्यू वीडियो है, और आपको अनबॉक्सिंग भी दिखा देता हूँ, कैसे इसको यूज़ करते हैं वो भी हम देखेंगे, और इसका रिजल्ट क्या रहता है वो भी आपको दिखाऊंगा। मैं इस पूरी वीडियो को देखिए गाइस। सो यहाँ पे आप देख सकते हो सिल्वर डिप इंस्टेंट सिल्वर क्लीनर लिखा हुआ है, और साइड में आप देख सकते हो यूज़ डायरेक्शन वगैरह और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। और इसमें किसी तरह कोई भी स्पार्कलिंग जैसे कोई हार्मफुल केमिकल आपके जो मतलब स्किन पर अगर गिर जाए तो जलने का डर, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज। और यहाँ पर आप देख सकते हो, तो मैंने इसको पहले यूज़ किया था अभी लाने से पहले, वीडियो बनाने से पहले। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लक्ष्मी जी की मूर्ति है। सो अभी दिवाली का टाइम है, तो हम जैसे सफाई वगैरह करते हैं कुछ मूर्तिज़ वगैरह की, या कोई अपने कोई भी ज्वेलरी हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी आप देख सकते हो दोनों में अंतर देख सकते हो आप यहाँ पे। तो अब मैं आपको क्लीन करके दिखाऊँगा, विद इन 2 से 3 मिनट्स के अंदर अंदर यहाँ पे आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो ये एक रिव्यू वीडियो है, कोई भी आपको मैं प्रमोशन वगैरह के लिए नहीं कर रहा हूँ, हर तरह का मैं रिव्यू वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ चैनल पर। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, अब हम इसको करेंगे डिप मूर्ति को। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी इसका आप देख सकते हो इस पर बहुत से कार्बन्स आ चुके हैं। सो आप यहाँ पे आप इसको अंदर डालते हैं ऐसे, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट मिला है मुझे। आपको अगर कोई यूज़ करना चाहे और किसी को इस चीज़ का रिव्यू चाहिए था, तो ये वीडियो उसके लिए बहुत ही यूज़फुल है। और भी इसके लिए जैसे गोल्ड के लिए भी अलग से आता है, और सिल्वर के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ ये है। और ये केमिकल ऐसी बात नहीं कि ख़त्म हो जाता है, आप 6 से 8 मंथ तक अप्रॉक्स इसको यूज़ कर सकते हैं इजीली, कोई भी ख़त्म नहीं होता। आप इसके अंदर जैसे देख सकते हो, आपको मैं मूर्ति के साथ साथ एक कॉइन भी आपको मैं दिखाऊँगा कैसे इसको करेंगे। और कुछ भी घर में अगर सिल्वर से रिलेटेड कोई भी अपने पास कोई भी ज्वेलरी होती है, या फिर गोल्ड से रिलेटेड होती है, तो उसके लिए अलग से आता है। सो गाइस, यहाँ पे आप विद इन 2 से 3 मिनट्स आप देख सकते हो रिज़ल्ट आपके सामने है। और इसे अब सोपी वाटर यानी साफ या क्लीनिंग वाटर से साफ़ कर सकते हो आप। इसे फिर सॉफ्ट कॉटन के क्लॉथ से आप इसको सूखे कपड़े से साफ़ कर सकते हो, ताकि ये ड्राई रहे। सो यहाँ पे आप रिज़ल्ट देख सकते हो। कुछ भी ज़्यादा आपको मतलब हार्डवर्क नहीं करना पड़ा, किसी भी तरह की कोई घसाई नहीं करनी पड़ी, और इसमें कोई भी तरह की चांदी भी आपकी लॉस नहीं होगी। वैसे होता है ना, कोई अदर केमिकल अपन यूज़ करते हैं तो इससे अपने को जो अपना मेटल होता है वो लॉस होने का खतरा रहता है कि यार कम ना हो जाए ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ भी नहीं गाइस। सो अब आपको मैं कॉइन का दिखा देता हूँ। सो अपन यहाँ पे एक कॉइन लेते हैं, जल्दी से मैं आपको एक कॉइन लेके दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आप कॉइन देख सकते हो, काफ़ी मतलब पड़े पड़े इसमें आ जाते हैं, आप समझे ऑक्सीडेंट्स हो जाते हैं, इसमें ऑक्सीडेशन हो जाती है, तो इस वजह से कार्बन आ जाता है। तो सो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑक्सीडेशन होता है, तब उसके बाद आप इस केमिकल को यूज़ करते हैं, तो उसके बाद आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हो। मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए इसको करके आपको दिखा रहा हूँ, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। और अगर ज़्यादा अगर आपको मतलब ऑक्सीडेशन यानी ब्लैक हुआ, ब्लैकिश आ रखा है, तो आप इसको 2 से 3 मिनट या 5 मिनट के लिए भी आप उसको डिप करके रख सकते हो, तो आपको और अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और कोई डर नहीं गाइज इसमें कि, लेकिन ध्यान रखिए गाइज, केमिकल होता है, तो थोड़ा सावधान रखिए। आप अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, और आंखों को भी दूर रखें, सेंसिटिव स्किन है, तो आपको ग्लव्स वगैरह यूज़ करना चाहिए गाइस। और बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं, अगर गलती से हाथ पे टच हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो इसके ऊपर सारी डिटेल वगैरह दी हुई है। और ऐसे ही ये मटमेला टाइप हो जाता है, तो इसका कोई भी आप डरने की बात नहीं है, आप इसको ईजिली वापस रीयूज़ ले सकते हो। सो ये थी क्विक इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आप रेट भी इसकी देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर। जय हिंद।